Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Saima's Cooking Secrets. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए तीन तरह के पकौड़े बनाऊंगी. पकौड़े बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने बेसन एक कप लिया है. इसमें जो स्पाइसेस जाने हैं वो मैं पहले आपको बता दूँ. इसमें मैंने लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून लिया है. ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून है. नमक हसबे ज़रूरत ले लें, मैंने 1 टीस्पून लिया है. इसमें हल्दी 1 टीस्पून है. इसमें धनिया पाउडर जो है ये भी 1 टेबलस्पून है. और सुरख मिर्च इसमें मैंने 1 टीस्पून ली हुई है. पकौड़े मैंने जिन जिन चीज़ों के बनाने हैं उसके लिए मैंने एक तो ये कॉटेज चीज़ लिया हुआ है, इस तरह इसको स्ट्रिप्स में काट लिया हुआ है. एक तो मैं कॉटेज चीज़ के पकौड़े बनाऊंगी, सब्ज़ मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी. सब्ज़ मिर्च मैंने इस तरह इसको साफ कर लिया हुआ है, इसके बीज निकाल दिए हुए अंदर से. इसके अंदर मैं आलू के मिक्सचर की स्टफिंग करूंगी. 2 अदद आलू लेके मैंने उनको बॉयल किया. बॉयल करके उस नमक मिर्च और ज़ीरा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया हुआ है. ये मैं सब्ज़ मिर्चों में भरूंगी. इसी तरह बैंगन के पकौड़े भी बनाएंगे. चलें जल्दी से सबसे पहले बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं. बेसन में तमाम स्पाइसेस मैं शामिल कर दूंगी. अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें. थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप मिक्स करते जाएं. इसको ये हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी किस्म के भी लम्स इसमें ना रहें. अभी ये काफ़ी थिक है, थोड़ा पानी और जाएगा. हमने ज़रा पतला बैटर तैयार करना है. बेसन का मिक्सचर रेडी हो गया है. ये इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना थिक होना चाहिए. बेसन मिक्सचर रेडी है, मैं इसे साइड पर रख लूँगी. अब पकौड़े बनाने शुरू करते हैं. पकौड़े फ्राई करने से पहले हम बैंगन को तैयार कर लेते हैं काट के. इस तरह इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लें. इस तरह पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं. बैंगन जो होता है ये फौरन कलर चेंज कर लेता है, तो उसका सबसे अच्छा हल यही होता है कि एक तो ये अंदर से फीका बहुत होता है. तो मैंने एक चुटकी नमक लिया है, एक चुटकी सुरख मिर्च ली है और एक चुटकी मैंने हल्दी ली है. इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें. हाथ की मदद से ये मसाला हल्का हल्का इस तरह दोनों साइडों पर लगाते जाएंगे. एक तो बैंगन भी अंदर से फीका फील नहीं होगा खाने में, दूसरा इसका कलर भी चेंज नहीं होगा. फिर आप आराम से जब चाहें इसको फ्राई कर लें. ये वाली टिप आप मेरी याद रखिएगा. जब भी बैंगन के पकौड़े बनाने हों बैंगन इस तरह रेडी करके रख लें, फिर जब चाहें फ्राई करें, इसका कलर चेंज नहीं होगा. इस तरह मसाला लगकर तमाम बैंगन तैयार हो गए हैं. सब्ज़ मिर्च को इस तरह कट लगा के मैंने तमाम सब्ज़ मिर्चों के बीज निकाल लिए थे. अब इसमें मैंने ये जो आलूओं का मिक्सचर तैयार किया हुआ है ये मैं इसमें भर दूंगी. इस तरह चम्मच की मदद से ज़रा प्रेस करके अच्छी तरह इसमें आलूओं का मिक्सचर भर लें. ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी नहीं है, ये खाने में बहुत मज़े का लगेगा. इस तरह से मिर्च में आलूओं की मैं फिलिंग कर लूँगी. तमाम मिर्चें मैं इस तरह रेडी कर लूँगी. ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया. मैं सबसे पहले पनीर के पकौड़े बनाने लगी हूँ. इस तरह पनीर का पीस लेके उसको अच्छे से डिप करके तो आप इस तरह ऑयल में डालते जाएं. 1 से 2 मिनट तक एक साइड इसकी कुक करनी है ताकि इसका बैटर अच्छे से सेट हो जाए. फिर आपने साइड पलटनी है. इसकी कलर चेंज हो गया है, मैं साइड भी पलटने लगी हूँ. इस तरह गोल्डन सा कलर हो जाए तो निकालते जाएं. मैं इस तरह किसी भी जाली में इसको निकालूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका नीचे गिरता जाए. इस तरह मैंने तमाम मिर्चें रेडी की हुई हैं. इसकी मैंने डंडी इसलिए नहीं काटी, एक तो इस तरह इसको डिप करके डालना आसान होगा, दूसरा पकड़ के खाना भी आसान होगा. अब सब्ज़ मिर्चें इस तरह डिप करते जाएं और इनको इस तरह फ्राई करते जाएं. गोल्डन कलर हो गया, अब जल्दी से आप इनको निकाल लें. अब ये जो मसाला लगाकर हमने बैंगन रेडी किए हुए थे अब इनके पकौड़े बना लेती हूँ. इस तरह अच्छे से इसको डिप करें बेसन में और यूँ कढ़ाई में डालते जाएं.
बैंगन के पकौड़े भी रेडी हो गए, अब जल्दी से इनको भी निकाल लें। व्यूअर्स, तीनों किस्म के पकौड़े रेडी हैं। ये मैंने पनीर के बनाए हैं पकौड़े, और ये सब्ज मिर्च है, इसके अंदर मैंने पोटैटो बॉयल करके वो स्टफ किए हुए थे, और ये बैंगन के पकौड़े हैं। तीनों इतने मजे के बने हैं कि बहुत ही टेस्टी हैं। आपने इनको जरूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो वो भी जरूर आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस किस्म की और डिशेज चाहिए अफतारी के लिए। ये बेहतरीन अफतारी है, आपने ये जरूर ट्राई करने हैं। और मेरे चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स, वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।